Hallelujah. Hallelujah. That's all. प्रभु का महिमा हो. Good morning. सुप्रभात. Once again we are studying. We are back to Bible study. फिर से एक बार हम बाइबल के अभ्यास के लिए वापस आए हैं. We are studying gospel controversies. हम सुसमाचार के विरोधाभास के वचनों का अभ्यास कर रहे हैं. Point number 37. 37वां वचन. There's a question in Luke 22 and verse 1 to 3. सवाल एक है लुका का सुसमाचार 22वां अध्याय 1 से 3 वचन. Here it we find that devil or that satan entered in Judas Iscariot before supper. यहां पर हमें मिलता है कि शैतान यहूदा इस्करियोत के अंदर भोजन लेने से पहले जा प्रवेश करता है. And when we read John 13 chapter 21 to 27, और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 21 से 27 वचन. After taking that supper or dinner, devil entered in Judas Iscariot. वह भोजन खाने के बाद शैतान यहूदा इस्करियोत के अंदर समाया. So what is the truth? तो सत्य क्या है? Let's find out. आइए ढूंढ निकाले. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Amen. Amen. Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Shalom to each one. हर एक को शांति मिले. Before meditating the word of God, let's close our eyes. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं. For He is our Lord, He is only one whom you are pleased with. वही हमारा एक प्रभु है जिसके साथ आप प्रसन्न हो. And we, Father, we call you. और पिता, हम आपको पुकारते हैं. And we thank you for Jesus Christ. और यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you for sending Him. To save us. हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजने के लिए आपका धन्यवाद. Father, we pray today as we are meditating your word. पिता, जब हम आपके वचन का मनन कर रहे हैं तो आपसे प्रार्थना करते हैं. Give us grace. हमारे पर अनुग्रह करो. Give us understanding. हमें समझदारी दो. And Lord, we pray, send Holy Spirit to minister unto us. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को भेजो हमें चलाने के लिए. Your word are valuable. आपके वचन मूल्यवान है. It's living word. जीवित वचन है. And we respect your word. और आपके वचन का हम सम्मान करते हैं. As we are studying, help us to understand. जब हम अभ्यास कर रहे हैं तो समझने के लिए हमारी मदद करो. Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो. If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है तो हमें माफ करो. Father, we pray in Jesus name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Once again we are discussing another point. फिर से एक बार हम दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं. We are studying gospel contradictory verses. सुसमाचार के विरोधाभास के वचनों का हम अभ्यास कर रहे हैं. The truth is, when we don't understand, we find it contradict. सत्य यह है कि जब हम समझ नहीं पाते हैं तब हमें यह विरोधाभास लगता But है. When we study in the light of Holy Spirit, we understand the truth. लेकिन पवित्र आत्मा के प्रकाश में जब हम अभ्यास करते हैं तब हम सत्य को समझते हैं. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. प्रभु का महिमा हो. ओके, वी आर कंटिन्यूइंग अनदर पॉइंट. दूसरे एक मुद्दे में हम आगे बढ़ेंगे. वी आर स्टडी अबाउट गॉस्पेल कॉन्ट्राडिक वर्सेस. सुसमाचार के विरोधाभास के वचनों के बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट इट्स अबाउट जूडास. अब यहूदा के बारे में सवाल है. When did Satan entered in Judah? यहूदा के अंदर शैतान ने कब प्रवेश किया? Before taking dinner or after taking dinner? भोजन लेने से पहले या भोजन लेने के बाद? Now when we read in Luke 22 and verse 1 to 3. अब जब हम पढ़ते हैं लुका का सुसमाचार 22वां अध्याय 1 से 3 वचन. Here before they entered to the feast or they had celebrated this Passover, they were celebrating, came to take bread. Before that, this devil entered in Judas Iscariot. यहाँ पर अखमरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है वह आने से पहले before eating उसका भोजन खाने से पहले शैतान यहूदा के अंदर प्रवेश किया.
So, but when we read in John 13, it says that after taking one bite, devil or Satan entered in Judah Iscariot. लेकिन योहन्ना का सुसमाचार 13वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो जब एक निवाला यहूदा खाता है, उसके बाद उसके अंदर सैतान प्रवेश करता है। So when did this devil entered in Judah Iscariot? तो यह सैतान यहूदा इस्कोरियत के अंदर उसने कब प्रवेश किया? Now Luke 22 and verse 1-3, let's read. अब आइए लुका का सुसमाचार 22वां अध्याय 1-3 वचन पढ़ें। Now the feast of unleavened bread called the Passover was approached. It was approaching and the chief priest and scribe were looking for a way to put Jesus to death. For they feared the people. अखमरी रोटी का पर्व जो फसक कहलाता है निकट था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको यीशु को क्यों कर मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। They wanted to kill Jesus. वे यीशु को मार डालना चाहते थे। But because of the people, they feared. लेकिन लोगों से वे डरते थे। And also they were having a feast time, holy days. और उनका पवित्र दिन चल रहे थे और फसह का पर्व था। Verse 3. तीसरा वचन। Satan entered in Judah Iscariot, who was one of the 12 disciples. और सैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। And further we read that Jesus said that I want to celebrate feast with you my disciple, go and prepare for me. और आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु ने चेलों से कहा कि फसह का पर्व मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ, जाकर तैयारी करो। I want to eat with you. मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। Now you go in a city and you will find a man pitcher of is a man with a pitcher of water and follow him and he when he entered the house go inside and you will find a master and ask him our Lord want that we be here and celebrate this feast. और यीशु ने कहा देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। So Jesus said that when you will go there, the manager of the house he will welcome you and you ask them that our Lord want to take we want to eat the Passover with my disciple and where the place a guest room. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि घर का स्वामी वह तुम्हें घर में ले जाएगा, तब उससे पूछना कि हमारा गुरु चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना चाहता है तो उसके खाने के लिए जगह कहाँ है। And they met the same the Lord had prophesied. और जैसा प्रभु ने कहा था वैसे ही चेलों को सब बातें मिली। Verse 13. 13वां वचन। And they went and found as he had said to them and they made ready the Passover. उन्होंने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। So we see Judah was already under devil trap in verse 2. Verse 3. तो तीसरे वचन में देखते हैं हम कि पहले से सैतान की जाल में यहूदा आ गया था। So before taking celebrating feast, already this devil had entered in Judah Iscariot. तो फसह का पर्व मनाने से वह भोजन खाने से पहले ही सैतान यहूदा के अंदर प्रवेश कर चुका था। Now when we read in John 13 chapters 21 and 27, और यदि अब हम पढ़े योहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 21-27 वचन। After Jesus had said this, he became troubled in spirit and testified, truly, truly, I tell you, one of you will betray me. John 13 chapter verse 21 and 27. Jesus said, washed his disciple feet and later on, this is the story. ये योहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 21-27 वचन। यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए थे और उसके बाद ये आगे कहानी घटना होती है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा. Verse 22. 22वां वचन. The disciple began to look at one another. चेले यह संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है, तो एक दूसरे की ओर देखने लगे. Verse 23. 23वां वचन. One of his disciple, the one whom Lord Jesus loved, was declaring at his side. He was just sitting at Jesus' heart or Jesus' chest. उसके चेलों में से एक जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था. So Simon Peter mentioned to him and to ask Jesus which one he was talking about whom Jesus is talking about. तब Simon Petrus ने उसकी ओर इशारा करके पूछा कि बता तो वह किसके विषय में कहता है. Verse 25. 25वां वचन. Leaning back against Jesus, he asked, Lord, who is that person who is going to betray you? So this was John who was leaning at the Jesus chest. तो यह यूहन्ना था जो यीशु की छाती की ओर झुककर बैठा था. उसने फिर झुककर पूछा कि हे प्रभु, वह कौन है जो तुझे पकड़वाने वाला है, धोखा देने वाला है. Verse 6. 26वां वचन. Jesus answered, It is one of whom I will give a piece of bread after I have dipped it. After dipping it. Yes, 26. यीशु ने कहा, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा, वही व्यक्ति है. Then he dipped the piece of bread and gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. तब यीशु ने रोटी का टुकड़ा डुबो कर समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत को दिया. Verse 27. 27वां वचन. And when Jesus had taken, when Judah has taken the bread, Satan entered into him, and Jesus said, "What you are about to do, do it quickly." और टुकड़ा लेते ही सैतान यहूदा इस्करियोत में समा गया. तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर. So in Luke, already devil had entered in Judah Iscariot, but while in John, after taking piece of bread, eating, this devil entered in Judah Iscariot. तो लुका के सुसमाचार में पहले से ही सैतान यहूदा इस्करियोत में प्रवेश कर चुका था, लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में रोटी का वह टुकड़ा खाने के बाद सैतान यहूदा में प्रवेश करता है. So what is true? तो सत्य क्या है? Before the dinner or after dinner, this devil came inside this Judah Iscariot. भोजन लेने से पहले या भोजन लेने के बाद यह शैतान यहूदा में समाया. Now John 13 verse 2. अब यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 2वां वचन. The evening meal was underway. The devil had already put into heart of Judah the Iscariot, Simon Iscariot, to betray Jesus. और जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन का समय था. So in verse 2 it says that already devil or Satan has put into Judah's heart that betray Jesus. तो यहाँ पर before meal, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि भोजन से पहले ही शैतान ने यहूदा के मन में यीशु के विरोध में विश्वासघात करने का उसे प्रेरणा दे दी थी. And verse 27, after taking the piece of bread, this Satan entered into him. और 27वें वचन में रोटी का एक टुकड़ा लेने के बाद शैतान यहूदा इस्करियोत के अंदर समाया. Now when we read John 6 chapter, much before what happened. अब हम यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय पढ़े, बहुत पहले की घटना में, तो वहाँ क्या हुआ? Verse 68. उसका 68वां वचन. Now Jesus said that you all want to go away, want to leave me. यीशु ने पूछा था, क्या तुम सब मुझे छोड़ना चाहते हो, जाना चाहते हो? And Peter there was and he replied, Lord, to whom would we go? You have words of eternal life. तब पत्रस ने उत्तर दिया कि प्रभु, हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है. Verse 69. 69वां वचन. Oh Jesus, we believe you and we know that you are the Holy One of God. कि हे यीशु, हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र तू ही है. Now verse 17, listen. अब 70वां वचन सुनो. Jesus answered to them, Have I not chosen you 12? Yet one of you is
डेविल और ऑफ डेविल। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। और इट्स और यू कैन ट्रांसलेट दैट इज अ डेविल पर्सन, या फिर आप ऐसा भाषांतर कर सकते हो कि एक शैतानी व्यक्ति तुम में से एक है। येट वन ऑफ इज यू इज अ डेविल और इज डेविल चाइल्ड। तुम में से एक या तो शैतान है या तो शैतान का बेटा है, ऐसा हम कह सकते हैं। वर्स 31 71वां वचन। नाउ हियर ही वाज स्पीकिंग अबाउट जूडा इस्करियोट द सन ऑफ सिमोन इस्करियोट। यीशु शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में यह कह रहा था। सो आउट दिस वन जूडा वाज वन ऑफ द 12 डिसिपल। तो यहूदा 12 चेलों में से एक था। सो इन द 6th चैप्टर ऑलरेडी वी रीड दैट दिस इज अ एजेंट ऑफ डेविल जूडा इस्करियोत। तो 6th अध्याय में पहले ही हम पढ़ते हैं कि यहूदा इस्करियोत शैतान का आदमी था। एंड जीसस सेड इन जॉन 17 वर्स 12 और यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 12वां वचन, आई कैन प्रोटेक्ट एंड आई विल प्रिजर्व देम दोज हु आर माइन, कि जो मेरे हैं मैं उनकी रक्षा कर सकता हूँ और मैं उनको संभालूंगा। Whom God has given me, परमेश्वर ने जितने मुझे दिए हैं उनको, नॉट वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी लॉस्ट, उनमें से एक का भी नाश नहीं होगा, एक्सेप्ट द सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के पुत्र को छोड़कर। सो वन इज कॉल्ड सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो एक को विनाश का पुत्र कहा गया है। आई डोंट टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, आई कैनॉट आई डोंट टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, इस व्यक्ति की संभाल या उस व्यक्ति की संभाल में नहीं रख सकता, उसे मैं नहीं बचा सकता। ऑलरेडी इन वर्स इन चैप्टर 6 जीसस हैज डिक्लेयर्ड दैट दिस जूडा इस्करियोत इज डेविल डेविल इज ऑफ डेविल, क्योंकि 6th अध्याय में पहले से ही यीशु ने यहूदा इस्करियोत के बारे में कहा था कि वह शैतान का है। एंड हियर इन 17 चैप्टर जीसस डिक्लेयर दैट दिस इज सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, ही इज द सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, और 17वें अध्याय में फिर से यीशु यह जाहिर करता है कि वह यहूदा इस्करियोत विनाश का पुत्र है। एंड बाइबल टीचेस दैट इज द एंटीक्राइस्ट पर्सन, और बाइबल सिखाता है कि ही वाज द एंटीक्राइस्ट पर्सन, कि वह मसीह विरोधी व्यक्ति था। इन 2 Thessalonians 2:3 दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय 3रा वचन, पॉल सेज लेट नो मैन डिसीव यू फॉर इट विल नॉट कम अंटिल द रिबेलशन अकर एंड द मैन ऑफ लॉलेसनेस कम। पौलुस कहता है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। द सन ऑफ डिस्ट्रक्शन इज योर until he don't really is not revealed, विनाश का पुत्र जब तक प्रकट ना हो तब तक, don't be deceived, तब तक धोखे में न रहना। so we read word son of destruction, तो यहाँ पर हम विनाश का पुत्र यह शब्द पढ़ते हैं। and Jesus said in Mark 14 chapter verse 21 और यीशु ने कहा मरकुस का सुसमाचार 14वां अध्याय 21वां वचन, the son of man will go just as it is written about him. So Jesus is talking that as I am going to be betrayed, it is going to happen. तो वहाँ पर लिखा है मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है जाता है। तो यीशु ने कहा कि जैसा मेरे बारे में धोखे की बात लिखी गई है वैसे मुझे धोखा मिलेगा। But woe to that man by whom he is betrayed. परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए या धोखे में डाला जाए। So Jesus already knew that this Judas Iscariot is going to betray, and here Jesus add more that it is better for him that if he had not been born. तो यीशु मसीह पहले से जानते थे कि यह यहूदा इस्करियोती विश्वासघात करने वाला है, और आगे फिर वह कहता है कि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। So we read three things that this Jesus Christ had declared that this is Son of destruction. तो हम तीन बातें पढ़ते हैं जो यीशु मसीह ने बताई थी कि यह विनाश का पुत्र है। And already he is of devil. और वह शैतान का ही है। And also Jesus said that woe to this man because it was better that he wouldn't be born here. और यीशु ने यह भी कहा कि यह मनुष्य के लिए यह भला होता कि वह उसका जन्म ही ना होता। So Jesus very well know that this person belonged to devil.
तो यीशु अच्छी तरह से जानते हैं कि यह व्यक्ति शैतान का है. Now what Bible teach? अब बाइबल क्या सिखाता है? Those who are of devil. जो शैतान के हैं उनके बारे में बाइबल क्या सिखाता है? Matthew 12 chapter verse 43 and verse 45. मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 43 से 45वां वचन. Jesus was teaching his disciple that when an unclean spirit comes out of a man, it passed through dry places, seek rest and does not find it, then it returned back. He returned back. यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था, सिखा रहा था कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है और तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढता रहता है और वहां विश्राम नहीं पाता. And when it returned to home, और तब which he left, पहले जो घर उसने छोड़ा था वह जगह में वह जब वापस आए, on his return, the spirit find this demon or evil spirit find house vacant. तो जब वह वापस आता है यह दुष्ट आत्मा, तो वह घर को देखकर वह देखता है कि यह तो साफ सुथरा है. It's a there's a vacancy. It's a vacant house. और यह जगह खाली पड़ी है रहने के लिए. And it is wiped clean and put in order. This house is very well. और यह झाड़ा बुहारा और सजा सजाया घर है. So Jesus said that man is a house for this devil, this evil spirit. तो यीशु कहता है कि वह मनुष्य दुष्ट आत्मा के रहने के लिए घर है. And it comes out and come in. तो वह और वह दुष्ट आत्मा वहां से बाहर जाता है और वहां अंदर वापस आता है. Verse 45. 45वां वचन. And that demon or that devil or that evil spirit, it which has went away, it comes back and bring more seven other wicked spirit with himself. तो जो दुष्ट आत्मा उसमें से निकलकर गई थी वह दूसरे सात बुरे दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है उसी घर में. And they go in and dwell there. और वे सब जाकर वहां रहते हैं. So when a person who is of devil, तो जो व्यक्ति शैतान का होता है, द स्पिरिट हैज अथॉरिटी एनी टाइम टू एंटर. उस व्यक्ति के लिए दुष्ट आत्मा के पास अधिकार होता है कि जब चाहे वह उसके अंदर घुस सकता है. सो अबाउट जूडा, तो यहूदा इस्कोरियोती के बारे में, ऑलरेडी डीमन और दैट डेविल वाज इंस्पायर्ड हिम इन जॉन 13:2. योहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 2 वचन में शैतान ने पहले से ही यहूदा को प्रेरणा दी थी. एंड बिफोर दे टेक और दे वेंट एट फिस्ट टू सेलिब्रेट फिस्ट, ऑलरेडी दिस डीमन एट और दिस डेविल हैज एंटर्ड इन अकॉर्डिंग टू लूक 22. फसह के पर्व में जाकर वह भोजन ले उससे पहले से ही शैतान या यहूदा को प्रेरणा देता था एंटर्ड इन और उसके अंदर प्रवेश किया था उसने लुका का सुसमाचार 22वां अध्याय में. एंड व्हेन वी रीड इन 13 जॉन 13 चैप्टर अगेन दिस डेविल हैज एंटर्ड व्हेन जीसस गिव अ पीस ब्रेड टू ईट जूडा इस्करियोत. और यदि फिर से हम योहन्ना का 13वां अध्याय पढ़े तो जब यीशु ने यहूदा को रोटी का टुकड़ा दिया तो फिर से शैतान ने उसके अंदर प्रवेश किया, ऐसा लिखा है. सो वी लर्न जूडा लाइफ वाज ऑफ डेविल. तो हम यहां सीखते हैं कि यहूदा का जीवन शैतान की ओर से था. सो evil spirit can anytime enter. तो यह दुष्ट आत्मा कोई भी समय उसके अंदर प्रवेश कर सकता है. Before lunch and after lunch. खाना खाने से पहले भी प्रवेश कर सकती है और खाना खाने के बाद भी. Before dinner, after dinner. और रात के समय के खाना खाने से पहले या वह खाने के बाद भी दुष्ट आत्मा अंदर प्रवेश कर सकता है. As John 13:2 we read that already this Judas Iscariot was inspired by devil already. जैसे हम पढ़ते हैं योहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 2 वचन में कि पहले से ही शैतान ने यहूदा इस्करियोत को प्रेरणा दी थी. सो टू डू समथिंग दिस इविल स्पिरिट कम एट दैट टाइम. तो कुछ करने के लिए यह दुष्ट आत्मा वही समय पर वहां आ जाता है. बिकॉज द पर्सन बिलोंग टू डेविल. क्योंकि वह व्यक्ति शैतान का होता है. सो फॉर डेविल देयर इज वेलकम वार्म वेलकम warm welcome for his people. तो शैतान के लिए शैतान के लोग उसका उसकी अच्छी आगता स्वागता कर लेते हैं. So Jesus said, only those whom Father you have gave me, I have kept them saved.
तो यीशु ने कहा कि पिता जितने तूने मुझे दिए हैं केवल उनको ही मैंने संभाल के रखा है। So for Judas Iscariot, Jesus had no care. तो यहूदा इस्कोरियत के लिए यीशु को कोई चिंता नहीं थी। For already he was son of destruction. क्योंकि यहूदा विनाश का पुत्र था। And he was of devil. और वह शैतान का था। And already he was possessed. और वह दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। And so Jesus said, whatever you want to do, do it fast. इसलिए यीशु ने कहा कि तू जो कुछ भी करना चाहता है जल्दी कर। So in Luke 22 chapter and John 13 chapter, there are no contradict verses. तो लुका का सुसमाचार 22वां अध्याय और यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय, वहां दोनों जगह कोई विरोधाभास नहीं है। Satan can enter before dinner and after dinner. भोजन से पहले भी शैतान प्रवेश कर सकता है और भोजन के बाद भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। Amen. Amen. God bless you all with this truth. परमेश्वर आपको इस सत्य से आशीष दे। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For all His grace. उसके सारे अनुग्रह के लिए। He has promised us to lead us in truth. उसने हमें वचन दिया है कि वह हमें सत्य में ले जाएगा। He has promised that I will not leave you fatherless. और उसने वचन दिया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Father, we thank you for Holy Spirit. पिता, हम पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Holy Spirit, we thank you for being with us. और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Understand Jesus' word. यीशु के वचनों को हमें समझाने के लिए आपका धन्यवाद। Whatever we've been sowed, we pray 100-fold we reap. जो हमने जो कुछ भी बोया है, हम प्रार्थना करते हैं कि उसका 100 गुना हम पाए। Let our truth be spread in the world. आपका सत्य पूरे संसार में फैलाया जाए। Who love your world, let your truth with truth they be fed. जो आपके वचनों से प्रेम करते हैं, उनको सत्य से तृप्त किया जाए। Father, we thank you for giving us grace. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे पर अनुग्रह करने के लिए। For all your love and for all your wisdom, we worship you. आपके सारे प्रेम और सारे ज्ञान के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। Thank you for your the revelation. और ये ज्ञान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। We pray for each people who are watching, who are joined with us. जो लोग देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। That they more study your word. कि वे आपके वचनों का अधिक अभ्यास करें। And agree with one spirit. और एक आत्मा के साथ सहमत हो जाए। And be blessed with the truth. और सत्य से आशीष पाए। Yes, Father, bless all your people who are joined with us. हाँ पिता, आपके सारे लोगों को आशीष दो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई वह करें। Our Father who art in heaven. ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो। Hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो। As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया। And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ। But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है। Thine is power. पराक्रम आपका है। Thine is glory. महिमा आपका है। For our Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus name. यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।